हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूड एंड फिटनेस। मैं हूं किरण। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक साल तक के बच्चों में अपच, उल्टी और पेट दर्द की समस्या से कैसे पाएं छुटकारा। क्या इन पांच टिप्स को फॉलो करने से आपके बच्चे को कभी अपच, उल्टी और पेट दर्द की समस्या नहीं होगी? वीडियो शुरू करने से पहले करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब। सब्सक्राइब के साथ एक घंटी है जिसे प्रेस करें ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं नवजात शिशु से एक साल तक के बच्चे में अपच, उल्टी और पेट दर्द की समस्या से राहत दिलाने के पांच टिप्स। नंबर एक, स्तनपान की स्थिति। स्तनपान कराते समय गलत स्थिति भी पाचन समस्याओं का कारण बन सकती है। इससे गैस या एसिड भी हो सकती है। बच्चे को दूध पिलाते समय ध्यान रखें कि बच्चे का सिर उसके पेट से अधिक ऊंचा हो। यह बच्चे को दूध पिलाने का सही तरीका है। इससे बच्चे के पेट में दूध आसानी से चला जाता है। इसके अलावा जब आप बच्चे को गोद में लेते हैं तो आप अपनी स्थिति ऐसे रखें कि शिशु का सिर थोड़ा ऊंचा हो और बच्चे की गर्दन को सहारा देने के लिए अपना हाथ या नरम तकिया रखें। नंबर दो, बच्चे की मालिश करें। आप अपने नवजात शिशु की मालिश जरूर करें। इससे बच्चे की पाचन संबंधी समस्या कम हो सकती है। आप अपने बच्चे के पेट व छाती के आसपास हल्के हाथों से मालिश करें। ध्यान रखें, ज्यादा जोर ना दें। आप अपने नवजात शिशु की मालिश के लिए कोई अच्छा और हल्का खुशबू वाला बेबी ऑयल या क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर तीन, बच्चे की पीठ थपथपाएं। कोशिश करें कि आपका बच्चा दूध पीने के बाद उल्टी कर दूध बाहर ना निकाल दे। इसलिए आप अपने बच्चे को दूध पिलाने के बाद कंधे पर रखें और धीरे से उसकी पीठ पर थपथपाएं। यह बच्चे की पाचन समस्याओं को रोकने का एक तरीका भी है। इससे बच्चे का दूध पीने के बाद थूकना और उल्टी करने को कम करने में मदद करेगा। नंबर चार, ग्राइप वाटर। नवजात शिशु में उम्र से ही पेट से संबंधित समस्याओं के लिए ग्राइप वाटर को उपयोग के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ग्राइप वाटर में सोडियम बाइकार्बोनेट और पानी के अलावा कई जड़ी बूटियां होती हैं। यह बच्चे में गैस की समस्या का सबसे बेहतरीन व सुरक्षित उपाय में से एक है। यह बहुत जल्दी काम कर सकता है और बच्चे को कुछ ही समय में आराम देने में मदद करता है। नंबर पाँच, केवल स्तनपान ही करवाएं। अगर आपके बच्चे को स्तनपान कराने के बाद पाचन समस्याओं का सामना करना पड़ता है तो ऐसे में आप अपने बच्चे को अतिरिक्त खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थ ना दें। आप अपने बच्चे को कुछ और खिलाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें। इसके अलावा अपने बच्चे के आहार से अचानक स्तनपान कराना बंद ना कर दें। फ्रेंड्स, इन छोटे छोटे पांच टिप्स को फॉलो करें जिससे आपका बच्चा अपच, उल्टी और पेट दर्द की समस्या से राहत मिलेगी। एक इम्पोर्टेंट बात, अगर आप अपनी इंग्लिश की वर्ड पावर को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को विजिट करना ना भूलें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आज की इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके बताना मत भूलना, और मेरी वीडियो को करना है ढेर सारा लाइक और शेयर, और मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब। ओके, बाय बाय।